हेलो फ्रेंड्स, डाइटिशियन फूड हाउस में आपका स्वागत है। आज हम फिर बहुत ही दिलचस्प रेसिपी के साथ मिले हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से झटपट नमकीन बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सॉल्टी मिक्सचर। ये खाने में नमकीन है और इसके लिए सबसे पहले आपको तेल गर्म करना है। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में सफिशेंट ऑयल इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि हम यहाँ डीप फ्राइंग करेंगे। और ये मैं पहले फ्राई करूँगी कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता आप कोशिश करिएगा कि फ्रेश लीजिए और इसका कोई अमाउंट नहीं है। मैंने यहाँ 10 से 15 पत्ते लिए हैं। आपको अगर टेस्ट इसका अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे बिल्कुल कुरकुरा होने तक आपको इस तरीके से फ्राई करना है। देखिए, अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है, देखिए मैं निकाल रही हूँ इसको। और आप इसको टिश्यू पेपर में रखिए। जो जो चीज़ें आप फ्राई करते रहेंगे उसको भी आपको टिश्यू पेपर में रखना है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। अब इसी तरीके से आप पीनट्स फ्राई करेंगे और पीनट्स आपको थोड़ी थोड़ी देर पे, देखिए आप मैं उठा रही हूँ ना इस तरीके से ताकि बिल्कुल ही ओवर ब्राउन ना हो ये। और देखिए इस तरीके से इसमें बिल्कुल ही आवाज़ें आने लग जाएंगी, जैसे ये बीच बीच से ब्रेक होगा ये जो पीनट्स है, जो मूँगफलियाँ हैं। देखिए अब जैसे आप इसे ठंडा करके रखेंगे तो ये क्या होगा, ये बहुत ही कुरमुरी बन जाएंगी। देखिए अब हम चिड़वा कर लेते हैं फ्राई। देखिए इस तरीके से गर्म तेल में आपको डालना है और इसको थोड़ा, देखिए थोड़ी सी देर में ये बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए इस तरीके से, और आप यकीन मानिए बहुत ही लाइट और फ्लफी होता है, बहुत ही लाइट। ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम एक बोल में राइस फ्लेक्स लेंगे जो हमने फ्राई किए थे, चिड़वा जिसे कहते हैं। इसमें आप जो रोस्टेड पीनट्स है जिसे आपने फ्राई किया था वो रख दीजिए। और उसमें मैंने भुना हुआ चना, काला चना इस्तेमाल किया है। जो कड़ी पत्ते हमने फ्राई किए थे वो, थोड़ा सा आपने कॉर्नफ्लेक्स डाला है। यहाँ मैंने काला नमक इस्तेमाल किया है और नॉर्मल नमक भी इस्तेमाल किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए एक एक करके। देखिए इसके कलर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए कितना टेस्टी होगा खाने में। देखिए और ये बहुत ही झटपट बन जाता है फ्रेंड्स। बस आपको जब फ्राइंग का है, बस एक ही टाइम आप सारी चीज़ें फ्राई करते रहिए और लास्ट काम आपका जो बनता है वो मिक्स करने का बनता है। देखिए ये बिल्कुल झटपट तैयार हो सक जाता है। देखिए इस तरीके से कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। अब दूसरा नमकीन है चटपटा नमकीन। अब आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा इसका टेस्ट का। हमने यहाँ 2 चम्मच तेल गरम किया था। अब इसमें मैंने 1 चम्मच चना दाल इस्तेमाल की है। इस चना दाल को मैंने सोक नहीं किया, ये कच्ची चना दाल है। इसको ब्राउन कलर होने तक मैंने कुक किया। फिर 1 कटोरी मैंने यहाँ चिड़वा इस्तेमाल किया है। अब इसको आपको हल्के हल्के हाथों से भूनना है। अब देखिए फ्लफी हो चुका है। इसमें मैंने कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर दिया। अब मैंने गैस जो है बिल्कुल सिम कर दी है। इसमें थोड़ा सा आप काजू आप यूज़ करेंगे, अगर आपके पास बादाम है आप बादाम भी इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से देखिए, अब मैं इसमें सीजनिंग करूँगी, यानी मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाला, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा हल्दी और मैंने यहाँ थोड़ा सा चटपटे टेस्ट के लिए लाल मिर्च भी इस्तेमाल की है। अब सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अभी एक चीज़ और रह गई है जो हम इस्तेमाल करनी है, जो कि है ये मुरमुरे, जिसे पफ राइस भी कहते हैं। अब इसको आप डाल के अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाइए। इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। अब आप देखेंगे कि इस मुरमुरे का कलर भी बिल्कुल चेंज होने लगेगा। देखिए ये बिल्कुल येलो हो चुका है। अब इसमें मैंने रोस्टेड पीनट्स डाला है। देखिए इस तरीके से आप डालिए इसमें और इसको भी मिक्स कर लीजिए। और इसमें और भी हम चीज़ें डालेंगे, जैसे कि किशमिश है वो भी आप डाल सकते हैं। आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं उसके फ्लेक्स कट करके। ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो चुका है। ये बहुत ही लाजवाब नमकीन है और ये भी झटपट बिल्कुल तैयार हो जाती है। आप इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरा जो नमकीन है, खट्टा मीठा मिक्सचर। अब आपको तो पता है ये खट्टा मीठा टेस्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पीनट्स फ्राई करने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, पीनट्स का कोई अमाउंट नहीं है, आप जितने भी आपको पसंद है आप उसको फ्राई कर सकते हैं। और मैंने यहाँ 2 आलू छील के पानी में रखे हैं और 2 मीडियम साइज़ के हैं ये। अब आपको इसको क्या करना है, ये ग्रेटर लेंगे जिसे हम कद्दूकश भी बोलते हैं। उसमें सबसे बड़े वाला जो साइज़ का ग्रेटर होगा उससे आपको ग्रेट करना है और आप डायरेक्ट उसको पानी में ग्रेट करेंगे इस तरीके से। देखिए अब मैंने ऑलमोस्ट 2 आलू को ग्रेट कर लिया है। अब आप देख रहे हैं इसमें झाग स्टार्च काफ़ी है, तो इसको हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद देखिए अब मैंने धो लिया है इस आलू को। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इस छन्ने के ऊपर रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आपको फ्राई करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, ये जो फ्लेम है वो बिल्कुल हाई पर है। देखिए इस तरीके से आपको कॉन्टिन्यूस हिलाते भी रहना है ताकि ये जले नहीं। देखिए इस तरीके से ये कुक हो चुका है, बहुत ही लाइट और करारा बन चुका है। अब इसको भी हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे।
अब देखिए, अब मैंने यहाँ चिड़वा जो लास्ट था इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको फ्राई करना है। अगर आप तीनों नमकीन एक साथ बनाना चाहते हो तो आप बहुत ही आसान काम है, आप एक ही साथ फ्राई कर सकते हो। अब खट्टे मीठे नमकीन के लिए हमने जो मसाला ऊपर से डालना है चीनी वाला, जैसे ये सिट्रिक एसिड बोलते हैं, मैंने यहाँ 3 चम्मच में थोड़ा सा सिट्रिक एसिड यूज़ किया है। मैंने मसाला ज़्यादा पीस लिया है चीनी का, ताकि हम टेस्ट, अब इसको हम किस तरीके से डालेंगे उस नमकीन में आपको मैं आगे बताऊँगी। अब जो हमने जहाँ चिड़वा फ्राई किया था वो हमने ले लिया है। देखिए आपको जितना भी लेना आप उतना उसको लेंगे। इसमें थोड़े से आपको पीनट्स डालने हैं, थोड़े से आप इसमें जो कटा हुआ नारियल है वो डालिए, किशमिश डालिए, थोड़ा सा यहाँ मैंने नमक इस्तेमाल किया है, यहाँ जो आलू का लच्छा था वो इस्तेमाल किया, और ये चीनी का पाउडर है जिसमें सिट्रिक एसिड डाला था। सिट्रिक एसिड खट्टा होता है जिसे साटरे भी कहते हैं, और चीनी। अब आप इसको मिक्स करते जाइए, थोड़ा टेस्ट करके देखिए कि अगर आपको और यूज़ करना है। आप इसको कलर के लिए थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल किया मैंने, और देखिए ये बहुत ही लाजवाब खट्टा मीठा नमकीन बन गया है। देखिए आप इसको घर में ज़रूर इस नमकीन को ट्राई कीजिए, और आप यकीन मानिए ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, और ये शाम की गपशप के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। आप इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज ही इसे अपने घर पे बनाइए और शाम की गपशप कीजिए इस नमकीन के साथ। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका नमकीन कौन सा बना, कैसा बना, और आपने कौन से नमकीन को ज़्यादा प्रेफर किया, और टेस्ट भी बताइएगा उनका कैसा बना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच जाए। बाय बाय।